हेलो हाय नमस्कार, आप सबका स्वागत है रॉयल आईएएस एकेडमी के इस चैनल पे, जहां हम डेली करेंट अफेयर से रिलेटेड उन तमाम टॉपिक्स को कवर करते हैं जो आइदर यूपीएससी और किसी स्टेट पीसीएस में पूछा जाना है। फर्स्ट जो क्लिप दिख रहा है आपको, फर्स्ट जो न्यूज आर्टिकल है द हिंदू का, वो है सीजेआई फॉर फॉर्मिंग स्पेशल पैनल्स। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि स्पेशल पैनल फॉर्म किया जाए टू प्रूव एट्रोसिटीज बाई पुलिस। पुलिस के कस्टडी में जो डेथ होती है, जो टॉर्चर के कारण डेथ होता है, उसके लिए सीजेआई का कहना है कि एक स्पेशल पैनल फॉर्म किया जाए। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हम पेपर को स्टडी करने आए हैं, इस न्यूज़पेपर को, हमें न्यूज़पेपर को रीड नहीं करना है, स्टडी करना है। हम गांव के प्रधान या मुखिया नहीं है कि 5 पेपर ले लिए और सारे को पढ़ रहे हैं एक एक करके। हमें टर्म्स पे कंसेंट्रेट रहना है, ऐसे टर्म्स पे जो हमारे पेपर में पूछे जाने हैं। द फर्स्ट टर्म इज सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है भाई ये? ये वही हैं जिनको आर्टिकल 124 में पावर दिया गया है। आप चीजों को रिलेट करना सीखिए, पेपर की यही डिमांड है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो। 124 आर्टिकल है कहाँ? ये 124 आर्टिकल है पार्ट 5 में, चैप्टर 4 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर 4 है उसके पार्ट 5 में 124 से लेकर के 147 तक आर्टिकल्स दिए गए हैं। इन आर्टिकल्स में सीजेआई किसी भी और जज जो सुप्रीम कोर्ट से बिलोंग करता हो उनके बीच में उनके पावर्स, फंक्शन, ये सारी चीजें दी हुई हैं। आप इसे कैसे याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 1, 2, 4 से शुरू होता है, नाम ही ऐसा है जी, 1, 2 का 4 है ना। गवर्नमेंट जब कभी अनिल कपूर बनना चाहे कि 1, 2 का 4 करेंगे हम, कोई भी ऐसा वैसा प्रोग्राम ले आए, कौन आता है सामने? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आकर के उस चीज को नल एंड वॉइड करती है कि ये गलत है तुम्हारा, चाहे वो नजाकी क्यों ना हो, 2014 का बिल। तो ऐसी तमाम चीजों को जो कंट्रोल करता है वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। आर्टिकल 1, 2, 4 से कहां तक? आर्टिकल 147 तक। कुछ आर्टिकल्स और भी इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से एक है आर्टिकल 129 जो कहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा अगर कोई पर्सन, कोई अथॉरिटी, चाहे वो लेजिस्लेचर का हो या एग्जीक्यूटिव का हो, अगर उसने सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को क्रिटिसाइज किया, ही विल बी पनिशेबल अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ही विल गो टू जेल, नॉट विल गेट अ बेल। ठीक है, 129 हो गया। एक और आर्टिकल है 141। 141 कहता है आर्टिकल नंबर कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा दैट विल बी वाइंडिंग ऑन ऑल द लोअर कोर्ट्स, ऑल द हाई कोर्ट्स। एक और आर्टिकल है बाइंडिंग के बाद, आर्टिकल नंबर 143। 143 नंबर आर्टिकल कहता है कि कंट्री का प्रेसिडेंट, कंट्री के प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी दी जाती है, ये राइट दिया जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज या किसी भी ऐसे अथॉरिटी को वो कंसर्न कर सकते हैं जब वो अपने आप को इनकैपेबल मानते हैं किसी भी डिसीजन को लेने में। तो प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि ही कैन कंसल्ट एनी ऑफ द जज, वेदर ही और सी बिलोंग्स टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, न्यूज का क्लिप शुरू हुआ था सीजेआई से, और सीजेआई से निकल करके इतनी सारी बातें आई हैं जो अपने पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें ये नहीं जानना है कि कौन सीजेआई राज्यसभा में गया, कौन सीजेआई किसी स्टेट का गवर्नर बना। ऑब्वियसली वो आपको जानने में, जानकर इंटरेस्टिंग लगेगा, ऐसा लगेगा कि इन्होंने डिग्निटी को लोअर किया है, बट एक्चुअली हमें न्यूट्रल रहना है। हमें सीखना है इनके फंक्शंस क्या है, कौन से आर्टिकल हैं, कहाँ क्या डिस्क्राइब्ड है, ये जानना है, हम इसमें इंटरेस्टेड है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था, उसमें एक चीफ जस्टिस होंगे, ऐसा आर्टिकल 124 कहता है, 1, 2 का 4, नो वन विल फॉरगेट, 1, 2 का 4 से सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट होता है। उसका दूसरा आर्टिकल 129 कहता है कि अगर कोई इसकी बात नहीं मानेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का हर एक जजमेंट बाइंडिंग होगा। 143 कहता है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकते हैं,
किसी भी जज से, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, किसी से भी जो वो प्रॉपर समझें। ये आता कहाँ है? ये चैप्टर 4 में है, पार्ट 5 में है। अब जब सुप्रीम कोर्ट की बात चली है तो थोड़ा सा इसके पास्ट में चलते हैं। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, और आपको याद होगा एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके बहुत सारे प्रोविजन 1935 का ये एक्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। उसी में एक प्रोविजन था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सा कोर्ट? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ये कोई और कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का ही पुराना नाम है। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था 1937 में, 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बना था एज पर द एक्ट ऑफ 1935। और 1950 में सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया, एक जज जो कि चीफ जस्टिस थे और 7 और जज जो उनका साथ देने के लिए आए थे, यानी टोटल 8 जज अपॉइंट हुए थे। आज जब आप अक्टूबर 2021 में जी रहे हैं तो कितने जज हैं? टोटल जज अभी हैं 33+1, 33 और 1, एक समझ ही रहे हैं आप, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 33 कौन है? ये 33 एक पर एक हैं। अब इसमें 4 तो महिलाएं हैं, फीमेल जज हैं 4, ये रिकॉर्ड है अपने आप में। जुडिशियल, इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री के कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं, और वो रिकॉर्ड इसी अगस्त महीने में 2021 में एस्टेब्लिश किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज कि 9 जज एक साथ एक सिंगल स्ट्रोक में अपॉइंट किए गए। कितने? 9 जज। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी एक अपॉइंट कर दिया, कभी 2 कर दिया। इस बार कॉलेजियम सिस्टम ने सीधा का सीधा एक सिंगल स्ट्रोक में 9 जज को अपॉइंट करवाया। दिस इज द रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम। 4 महिला जज हैं, द सेकेंड रिकॉर्ड। ओपन में शपथ दिलाया गया इन जज को, द न्यू रिकॉर्ड। आज से पहले ऐसा होता था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्हें अपने चैम्बर में ले जाकर चाय पानी पिलाते थे और शपथ दिलाते थे कि भाई मेरा साथ देना, लेकिन इस बार लाइव टेलीकास्ट हुआ है शपथ का, ओथ का। ये सारी नई चीजें हैं। अभी जो टोटल कैपेसिटी है वो 33+1 है, और आपको पता होगा कि पार्लियामेंट के पास पावर है जज के नंबर्स को बढ़ाने का। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो यूपीएससी जानना चाहती है आपसे। यूपीएससी को कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि कौन जज सीजेआई अभी है या कौन जज आगे बनेगा। हाँ, स्टेट पीसीएस को कभी इन चीजों में इंटरेस्ट होता है, मैं वो भी क्लियर कर देता हूं। एक महिला जज है जिनका नाम है वीवी नागारत्ना। कौन है वो? जस्टिस वीवी नागारत्ना। ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि यही 2027 में, कब? 2027 में पहली फीमेल सीजेआई होंगी। सो मार्क द वर्ड्स। चलते चलते इस पे पहले कि इस आर्टिकल से नजर हटाएं हम, जब बात सुप्रीम कोर्ट की आई है तो एक ट्रिक है मेरे पास, मेरे दिमाग में, मैं वो चाहता हूं आपको भी हेल्प करे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल शुरू होता है 124, इस 124 में अगर आप 90 ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें? 90, अगर आप 90 ऐड कर दें तो जो आर्टिकल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 214 मिलेगा। और ये हाई कोर्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? हाई कोर्ट के लिए। किसी और दिन हम हाई कोर्ट पे डिस्कस करेंगे। वैसे 1 अक्टूबर वाले में हमने हाई कोर्ट पे काफी कुछ डिस्कस किया था। कोलकाता सबसे पुराना हाई कोर्ट है, आसाम और मुंबई 2 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके ज्यूरिसडिक्शन इक्वल स्टेट एंड यूटीज पर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये सेकंड आर्टिकल है, वो है जीएसटी कलेक्शन का, है ना? ये कह रहा है जीएसटी कलेक्शन हिट 5 मंथ हाई। जीएसटी जो कलेक्शन है लास्ट का वो 5 मंथ हाई है। क्या हमें इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए? 5 मंथ हाई है कि 10 मंथ लो है, इससे मैटर नहीं करता। रिकॉर्ड कभी भी, डाटा कभी भी कोई भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी नहीं पूछती है, वो उसका बेसिक जानना चाहती है। आपको डाटा देने के लिए आपके साथ क्लर्क होंगे। यू आर गोइंग टू बी एसडीएम और आईएएस, सो यू डोंट नीड डाटा, यू नीड कॉन्सेप्ट्स, यू नीड डीप एनालिसिस। और डीप एनालिसिस ये कहता है कि जीएसटी का कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, जो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बन गया स्टेट पीसीएस के लिए, आज भी वो वही अटके हुए हैं 4 साल बाद कि जीएसटी लागू कब हुआ। वो आज भी बार बार यही कह रहे हैं कि भाई बस इतना बता दो जीएसटी लागू कब हुआ। तो उनको आप आंसर दीजिएगा
कि जीएसटी लागू हुआ जी 1 जुलाई, कितने तारीख को, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। पहला सवाल बना जीएसटी से, जीएसटी ऑपरेट कौन कर रहा है, जीएसटी ऑपरेट कर रहा है जीएसटीएन नाम का एक सॉफ्टवेयर जिसे बनाया है इंफोसिस ने। ये सारे मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं बार बार और आज भी रिपीट हो रहे हैं। जीएसटी से फिक्स हो गया है कि इसी टाइप का क्वेश्चन बनना है। जीएसटीएन कौन चला रहा है, इंफोसिस। ये सारे क्वेश्चन पीसीएस और यूपीएससी के कंबाइंड क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन है। तो पहले मैं इनको फोकस कर लूं कि जब भी आप जीएसटी पढ़ें तो आप क्या पढ़ना चाहेंगे। जीएसटी को ओवरऑल कौन ऑपरेट कर रहा है, ये जीएसटीएन तो एक नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर है। ये है जीएसटीसी, गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स काउंसिल। इसके चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और बाकी के मेंबर होते हैं सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। सवाल है कि जीएसटी है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है क्या। टैक्स दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपको ये पेन खरीदनी है, आप किस दुकानदार को पैसे दे करके लाएंगे। सवाल यह है कि इस पेन पर जो जीएसटी लगेगा वो जीएसटी आप दे रहे हैं या आपसे पहले दुकानदार ने जिस मैन्युफैक्चरर सप्लायर से लिया है उस दुकानदार ने सप्लायर को दिया है, उस सप्लायर ने जहां कहीं फैक्ट्री से लिया है उसने फैक्ट्री वाले को दिया है। जीएसटी किसने पे किया, जीएसटी पे करता है फाइनल कंज्यूमर, हम आप। ये एक कंजम्पशन बेस्ड कैसा टैक्स है, ये एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड इसे कह सकते हैं। ये फाइनली जहां जाके कंज्यूम होगा उसी को ये टैक्स देना होता है। ऑब्वियसली इनडायरेक्ट है, आपको पेन नहीं चाहिए मत खरीदिए, कोई और खरीदेगा वो देके जाएगा, जो खरीदेगा वो देगा। इनडायरेक्ट टैक्स, आपके पास पैसे नहीं है आप अपने पिताजी को बोलिए पेन लेते आइएगा, आपके पिताजी देंगे टैक्स भाई, आपके टैक्स नहीं लगेगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके रेट कितने हैं, इसके जनरली 4 रेट है इंडिया में, 5%, 12%, 18% और 28%। ये जो 28% है इस रेट को सुन करके वर्ल्ड बैंक को 2017-18 में कहना पड़ गया था, एक उसका रिपोर्ट आया था उसमें वर्ल्ड बैंक ने मेंशन किया था कि इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड रैंक पर है हाईएस्ट टैक्स वसूलने में। ऐसा वर्ल्ड बैंक ने तब कहा था जब इंडिया ने 28% का स्लैब बनाया हुआ। यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि क्या ये 4 के अलावा और भी टैक्स स्लैब है, जी हाँ ये 4 के अलावा और भी टैक्स स्लैब हैं। कुछ स्पेशल टैक्स स्लैब लगाए गए हैं, वो स्पेशल टैक्स स्लैब है गोल्ड पर। गोल्ड पर ना तो 5% है, ना 12% है, ना 18% है, बल्कि गोल्ड पर 5 से कम है। ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जिन पर कंप्लीटली ये कोई स्लैब नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। जीएसटी से रिलेटेड एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं, अमेंडमेंट कौन सा था आर्टिकल का, 101 अमेंडमेंट। अब हालांकि धीरे धीरे कम हुआ है पूछना पीसीएस का, लेकिन याद रखें 101 अमेंडमेंट से जीएसटी लाया गया था। एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं आपको, अरुण जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, बांग्लादेश से लैंड लेने और देने का मामला चल रहा था जमीन का। हमें कुछ गांव बांग्लादेश को देने थे और कुछ गांव हमें लेने थे। अमेंडमेंट बिल का नाम था 100। ये 100 अपने आप में ऐतिहासिक टाइप का है ना, 100 नंबर का अमेंडमेंट बिल। तो जेटली जी और स्वराज जी में थोड़े दिन के लिए टेंशन हो गया था। जेटली जी का कहना था कि ये फाइनेंस बिल बने यानी जीएसटी बिल कहलाए, स्वराज जी का कहना था कि नहीं ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिल कहलाए। लास्ट में जीत हुई वुमेन फर्स्ट सुषमा स्वराज की। ये 2 ट्रिक है आप याद रख सकते हैं। जो 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है 100, वो है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश के लिए। जो 101 नंबर पर है मेन कम आफ्टर, वो है जीएसटी के लिए। डन, और बाकी जीएसटी से रिलेटेड मैंने सारी चीजें आपको बताई हुई है। चलिए आगे रुक करते हैं, अगले न्यूज की तरफ देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल है तमिलनाडु फॉरेस्ट ऑफिसियल ऑन हंट फॉर किलर टाइगर T23 नाम का एक मैनहंट टाइगर हो गया है, आदमी को खोज खोज के खा रहा है। अब इसमें अपने लिए क्या है, अपने लिए ये है कि तमिलनाडु के जो टॉप मोस्ट आईएफएस ऑफिसर हैं, यहाँ आईएफएस का मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो होते हैं, टॉप मोस्ट के कंजर्वेशनिस्ट होते हैं ये, तो इनका स्टेटमेंट आया है कि हम एक कमिटी बना करके एक ऑफिसर्स की एक तरीके से
काउंसिल बना करके हमने उस टाइगर के पीछे भेजा हुआ है कि उसे पकड़कर मार दो। अब एक बात बताओ आप, एक तरफ तो हमारे कंट्री में है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो 2005 में बना है, कौन से एक्ट से बना है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 वाले से बना है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 में एक आर्टिकल है जो ये कहता है कि देयर विल बी अ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसका काम ये होगा कि कंट्री में अगर किसी भी टाइगर को बुखार आता है तो रिपोर्ट देना होगा कि वो कैसे फीवर आ गया, उसका इलाज क्यों नहीं किया गया। और यहाँ तो बहुत बड़ी बात है, मारने के लिए कहा गया है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी आर्टिकल का एक दूसरा, इसी एक्ट का एक दूसरा आर्टिकल कहता है कि अगर कोई टाइगर या कोई भी ऐसा इंडेंजर्ड वल्नरेबल चाहे जो भी हो, अगर वो मैन हंट हो जाता है, आदमी का शिकार करने लगता है, तो उसे मारा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट क्या है, NTCA इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इससे। NTCA 2005 में बना है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। HQ इसका कहाँ है जी, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन कौन है, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे यार चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होगा जब इतनी बड़ी चीज है, तो नहीं, इसके चेयरमैन पहले कभी हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर, अब इसके चेयरमैन एनवायरमेंट मिनिस्टर जिनके पास है वो है मिनिस्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, वो है अभी इसके चेयरमैन, ठीक है। तो इसमें जो अपने काम की चीज थी वो तो हमने देख लिया। एक छोटी सी चीज और देख लो कि ये टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां ऐसी बात हो रही है, ये मुद्दू मलाई टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व से याद आया, बताओ सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इंडिया में कौन सा है, यहाँ मुद्दू मलाई लिखा हुआ है पेपर में, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो मे भी न्यूज में रहेगा मुद्दू मलाई टाइगर। बहुत बड़ी चीज है भाई अपने कंट्री के लिए और यूपीएससी के लिए खास करके, सो मस्ट माइंड इट। मुद्दू मलाई टाइगर रिजर्व के एक टाइगर जिसका नाम T23 है, उसे हंट और किल करने के लिए, उसे किल करने के लिए वहां के टॉप मोस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ने ऑर्डर निकाला है। मैंने पूछा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कंट्री का कौन सा है, तो ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मैं स्टेट बता देता हूँ, आप मुझे कमेंट में करके बताना कि नाम क्या है, तेलंगाना में है। कहाँ है, तेलंगाना में है ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है, आप इसके बारे में मुझे बताएं बाद में। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारा कौन सा इंतजार कर रहा है, सो नेक्स्ट आर्टिकल है एयर क्वालिटी बॉडी डायरेक्ट स्टेट्स टू वीडियो मॉनिटर कंस्ट्रक्शन वर्क। एयर क्वालिटी से याद आया, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लाया था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम या क्लीन एयर प्रोग्राम आप सिंपली से कह सकते हैं, और इस पे क्वेश्चंस आया हुआ है। हाल फिलहाल में एक PCS ने पूछा था कि ये लॉन्च कब किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया है जी 2019 में। क्लीन एयर प्रोग्राम ये लॉन्च कब किया गया है, 2019 में। देखो मैं बार बार कहता हूँ कि आपको पूरा न्यूज क्लिप किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके हेडलाइन से आपको अंदाजा लगाना है कि आपको क्या चाहिए उसमें से। आप इसके डिटेल में ना जाओ कि दिल्ली में एक जगह है वहां पे एयर क्वालिटी वर्स हो गई है, हरियाणा के फार्मर की वजह से हो गई है, अब आप उसमें इंटरेस्ट लेने लगो। आप इसमें इंटरेस्ट लो कि भाई एयर क्वालिटी की बात कर रही है, कौन डिसाइड करता है एयर क्वालिटी, क्या मैकेनिज्म है एयर क्वालिटी को डिसाइड करने के लिए, कितने पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से गैसेस उसमें आती है जो एयर क्वालिटी को डिसाइड करती है, क्या कोई प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। वी ऑलवेज शुड फोकस ऑन दिस। तो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है उसका नाम है क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च किया गया है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका नेशनल एक्शन ऑन जो प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज है उससे कुछ लेना देना है, जिसे हम शॉर्टकट में नापाक बोलते हैं NAPCC, जो 2008 में आया था और अपने साथ 8 अलग अलग तरह के प्रोग्राम लेकर आया है, इसमें सारा कुछ है लेकिन क्लीन एयर प्रोग्राम नहीं है। इसमें गंगा का रिनोवेशन से लेकर के, इसमें हिमालय को बचाने से लेकर के, एग्रो फॉरेस्ट्री से लेकर के तमाम तरह की 8 चीजें हैं। इनफैक्ट सोलर मिशन भी यहीं से पैदा हुआ है रिसेंटली इंडिया में, 2008 का जो नापक प्रोग्राम है, ठीक है, नेशनल एक्शन प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज।
तो ये प्रोग्राम 8 और प्रोग्राम को लेकर के आया, लेकिन उसमें क्लीन एयर इंडिया का प्रोग्राम नहीं था। इसमें ज्यादातर वही होगा क्वालिटी मॉनिटरिंग की बात, आप डिटेल में इसका सब जानते हैं। कुछ गैसेस हैं इंक्लूडिंग सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, इन सबसे डिसाइड किया जाता है एयर के इम्प्योरिटी को, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सा न्यूज हमारा इंतजार कर रहा है। आगे एक छोटा सा टॉपिक है, डीजीपी गेट्स फॉरसेशन ऑफ इज फैक्ट नेम बैग। एक डीजीपी हैं, उनको उनके उनसे छीन ली गई थे उनके अधिकार। डीजीपी से बस इतना कहूंगा कि आप याद रखें, प्रकाश सिंह केस आया था एक 2006 में, मैं आज ये दूसरी बार मेंशन कर रहा हूँ। एक तो वो उस टाइम पे मैंने मेंशन किया जब सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज खुद बोला है कि भाई पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है ना, एक पैनल बनाओ पुलिस एट्रोसिटीज को चेक करने के लिए। मैं दूसरी बार मेंशन कर रहा हूँ कि प्रकाश सिंह का केस आया था एक 2006 में, उस 2006 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, 7 पॉइंट बताया था गवर्नमेंट को। एक उसमें ये भी था कि डीजीपी को सेलेक्ट करने के लिए सीनियर मोस्ट आईपीएस की लिस्ट बनेगी और वो लिस्ट भेजी जाएगी, ना केवल भेजी जाएगी ऊपर, ना केवल कि सीएम डिसाइड कर लेंगे, और डीजीपी का जो कैरियर होगा, किसी भी आईपीएस ऑफिसर का डीजीपी एज ए कैरियर होगा किसी स्टेट में, केवल 2 साल का होगा। ठीक है, इतना याद आता है हमें इससे। आगे देखते हैं अगर कुछ और न्यूज अपने काम का है। लक्षद्वीप आया है आज अपने पास, आसाम एविक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आसाम एविक्शन कोर्ट के एनसीआर से एनआरसी से लेकर के कैब और आसाम एकॉर्ड को कैसे आप भूल सकते हैं। आसाम एकॉर्ड जो कि 1985 में हुआ था, 1985 में राजीव गांधी साहब ने असम गण परिषद और वहां की गवर्नमेंट को इनवाइट किया था और एक अकॉर्ड साइन किया गया जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि एक सर्टेन डेट जो 1971 है, सर्टेन ईयर के बाद आने वाले शरणार्थी को जो माइग्रेंट्स हैं उनका कंप्लीटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कहीं ना कहीं ये आसाम एकॉर्ड आज तक आसाम में होने वाले जितनी भी टाइप की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिस्टरबेंसेस हैं उसके पीछे आसाम एकॉर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं यही कहूंगा कि आसाम एकॉर्ड जो 1985 में साइन किया गया था ट्राई लेवल पे, राजीव गांधी जो कि पीएम थे उस टाइम पे, आसाम गण परिषद जो वहां के यूथ को एजुकेट कर रहा था और वहां की गवर्नमेंट, इन तीनों ने मिल करके आसाम एकॉर्ड साइन किया था। तो आसाम एविक्शन से रिलेटेड सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी, गो टू इट।